चलो सेंटर ऑफ मास के अंदर हमारा एक टॉपिक पेंडिंग था, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकालनी है ऑफ अ यूनिफॉर्म हॉलो कोन। सेंटर ऑफ मास ऑफ अ यूनिफॉर्म हॉलो कोन, ठीक, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ अ यूनिफॉर्म हॉलो कोन। ठीक, ऑफ अ यूनिफॉर्म हॉलो कोन। तो इसके अंदर बेसिकली हमने लास्ट टाइम कोन का एग्जांपल लिया था, लेकिन हमने जो कोन लिया था वो सॉलिड लिया था। ठीक, हमने जो कोन लिया था वो एक सॉलिड कोन लिया था, और हमने सॉलिड कोन का सेंटर ऑफ मास की हाइट निकाली थी वर्टेक्स से, आपको याद होगा लास्ट टाइम ये हमने एंड में ये किया था, और एक फिगर रह गई थी हॉलो कोन की। तो लेट अस सपोज ये एक हॉलो कोन है, एंड जब भी हॉलो फिगर बनेगी तो आप देखोगे बुक में के अंदर वो ऐसे बनेगी, कुछ इस टाइप से वो ड्रॉ करेगा हॉलो कोन को। ठीक, ये डॉटेड लाइन शोज दैट इट इज अ हॉलो कोन, सिर्फ यहीं यहीं मास है, बीच में मास नहीं है। ठीक, ऑफ अ हॉलो कोन रेडियस इज कैपिटल आर, रेडियस इज कैपिटल आर, हाइट कैपिटल एच, हाइट कैपिटल एच, वर्टेक्स इज ओ ओ, ठीक, और इसमें इसके अंदर जो मास है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये क्वेश्चन है पहला। ओवर इट्स मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स एरिया, बिल्कुल सही, क्योंकि सरफेस एरिया के ऊपर मास डिस्ट्रीब्यूशन है, और सरफेस एरिया के ऊपर मास डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूशन में आपको याद होगा कि हम इसको कैसे ट्रीट करते हैं, लाइक अ रिंग, रिंग एक रिंग की तरह ट्रीट करते हैं। तो इसके अंदर मान लो एक रिंग कंसिडर कर ली आपने, और सच दैट ये जो रिंग है, ये जो रिंग है ऑब्वियसली पीछे से कुछ इस तरीके से है, पीछे से भी है, एक रिंग कंसिडर कर लिया आपने, और रिंग कहाँ कंसिडर किया, वर्टेक्स से एट अ डिस्टेंस ऑफ कितना x, और सच दैट ये जो थिकनेस है वो कितनी है dx है, थिकनेस इज dx। ठीक, तो आप सोच सकते हो इसमें सेंटर ऑफ मास की हाइट कैसे निकलेगी, पहले मास निकालो रिंग का, x डिस्टेंस है तो रिंग कहाँ लिया आपने, थिकनेस है उसकी, एरिया सरफेस एरिया ऑफ अ हॉलो कोन होता क्या है वैसे, सरफेस एरिया ऑफ हॉलो कोन का फॉर्मूला लिखो पाई इंटू आर इंटू स्लांट हाइट इज एल, तो पाई आर
एल, ठीक, वेयर एल का मतलब क्या होता है, स्लांट हाइट है, और जो कि इस क्वेश्चन के अंदर क्या होगी, एल की वैल्यू विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो सरफेस एरिया ऑफ द कोन तो ये आ जाएगा, ठीक। अब क्योंकि ये एक्स है, और इमेजिन कर लो ये जो एंगल है, दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा, और अगर ये थीटा है तो ये जो रेडियस आएगा इस रिंग का यहां से लेके यहां तक, दिस विल बी इक्वल टू एक्स साइन थीटा। आपको ये जो आपने रिंग ली इसका रेडियस चाहिए होगा, इसका रेडियस क्या आएगा, एक्स साइन थीटा, ये इसका रेडियस है, ठीक। क्योंकि आपको मास निकालना है इस रिंग का, तो सबसे पहले आपको मास ऑफ रिंग चाहिए होगा, तो मास ऑफ रिंग विल बी इक्वल टू डीएम, लिख ले मास ऑफ रिंग, तो डीएम विल बी इक्वल टू, करो जरा मास पर यूनिट एरिया इनटू एरिया ऑफ रिंग, करो स्टार्ट। थिकनेस इसमें dx है, तो ऐसा करना पड़ेगा कि इसका मास पूरे कोन का, लेट अस सपोज कितना है, m है, तो मास पर यूनिट सरफेस एरिया पाई आर एल है, या फिर आप इसमें ये बोल सकते हो कि दिस इज मास पर यूनिट एरिया ऑफ दिस कोन, तो मास पर यूनिट एरिया ऑफ द कोन विल बी इक्वल टू m डिवाइडेड बाय पाई इंटू आर इंटू एल, की जगह क्या पुट करेंगे, अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक। और इसमें जो मास ऑफ रिंग होगा विल बी इक्वल टू मास पर यूनिट एरिया पाई इंटू आर अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू एरिया ऑफ रिंग, तो यहां पर क्या आएगा, एम डिवाइडेड बाय पाई आर अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू एरिया ऑफ रिंग, इसमें क्या होगा, 2 पाई इंटू एक्स इंटू साइन थीटा, ये क्या आ गया, सर्कमफ्रेंस ऑफ रिंग इंटू कितनी, थिकनेस डी एक्स, सर्कमफ्रेंस इंटू थिकनेस क्या होता है, एरिया ऑफ द रिंग, तो मास पर यूनिट एरिया इंटू एरिया। तो जिन्होंने लास्ट लेक्चर लगाया है उनको समझ में आ रहा है ये वाला एरिया, बस इस क्वेश्चन की प्रॉब्लम उसके बाद ठीक हो जाएगा, तो लास्ट लेक्चर लगा लोगे तो ये समझ में आएगा कि सर्कमफ्रेंस इंटू थिकनेस हम ऐसा क्यों करते हैं। तो ये आपके पास स्मॉल मास आ गया किसका, रिंग का, ठीक। तो अब आपने क्या करना है, इसमें आपने इसमें सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकालनी है, तो y सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन होगी y एक्सिस पे होगी ऑब्वियसली, dm इंटू क्या करेंगे y डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ क्या करेंगे dm, ठीक है। आप प्लीज इसे एक बार अब सॉल्व करो और अपना आंसर निकालो क्या होगा। देखो इसमें नहीं, पहले एक चीज समझो, दिस इज मास ऑफ रिंग एंड दिस इज डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ रिंग, कॉन्सेप्ट क्या यूज करते थे, ऐसी बहुत सारी रिंग्स होंगी, ये पहली रिंग है, दूसरी रिंग है, तीसरी रिंग है, एंड सो ऑन, अगर हम सभी रिंग्स के सेंटर्स को कंसिडर करें, सेंटर ऑफ मास लें, फर्स्ट रिंग का, सेकेंड रिंग का, थर्ड रिंग का, फोर्थ रिंग का, एंड सो ऑन, उन सबके सेंटर ऑफ मास का सेंटर ऑफ मास कौन का सेंटर ऑफ मास माना जाएगा। तो हमने इसके लिए एक रिंग कंसिडर कर ली, इस रिंग का जो सेंटर ऑफ मास है वो ऑब्वियसली क्या, ये इसका सेंटर ऑफ मास है किसका, ऑफ अ रिंग, इसके सेंटर पे होगा, जिसका डिस्टेंस वर्टेक्स से कितना है, वाई, वाई, तो हमने वाई कंसिडर कर लिया,
इसका मास कंसिडर कर लिया, ऐसी अगली रिंग जब कंसिडर करेंगे वाई चेंज हो जाएगा, मास चेंज हो जाएगा, तो यानी कि हमने इसको क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया। तो डीएम इंटू वाई को इंटीग्रेट करेंगे, यानी कि सभी रिंग्स का सेंटर ऑफ मास, सभी रिंग्स का मास डीएम को उसके सेंटर ऑफ मास की पोजीशन से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं डीएम इंटू वाई, तो आपके पास क्या आ जाएगा, उसका पूरे कोन का सेंटर ऑफ मास आ जाएगा। प्लीज मुझे फाइनल आंसर निकाल दो। एच की फॉर्म में आएगा यार इतना थीटा, तो ये सब असम्पशन हैं, वो तो हाइट वाई एक्सिस में बताओ कितनी 3/4 एच पे आएगा। इसका फाइनल आंसर है 2h/3 फ्रॉम द वर्टेक्स, वाई की वैल्यू विल बी इक्वल टू 2h/3। देखो हमने एक चीज़ देखो सबसे पहले इसमें, कि हमने ये मास ऑफ रिंग तो निकाल ही लिया है, मास ऑफ रिंग के अंदर एक स्टेप एक्स्ट्रा और कर लेना m डिवाइडेड बाय, क्योंकि नहीं तो आप साइन थीटा की फॉर्म में आंसर बोलोगे, एच स्क्वेयर आर स्क्वेयर इंटू 2π इंटू एक्स इंटू, आप ना साइन थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो। इस पूरे ट्राइंगल में ये डिस्टेंस कितना है, कैपिटल आर है, और ये हाइट कितनी है, एच है, और ये लेंथ कितनी है, ये एल है, और एल की वैल्यू आपको पता ही है हमने निकाल रखी है। तो यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी, 2π x इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाई एल, और एल की जगह क्या पुट कर सकते हैं, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर। ये स्टेप क्लियर है, तो साइन थीटा की वैल्यू पूरे ट्राइंगल से आपने सब्स्टिट्यूट कर ली, क्योंकि साइन थीटा थीटा तो मेरी अजम्पशन थी, उसको एलिमिनेट करना पड़ेगा, इंटू कितना dx, ठीक। तो यहां से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट m इंटू 2π x, r से r क्या हो गया कैंसल, पाई से पाई भी क्या हो गया कैंसल, तो आपके पास आएगा m इंटू या 2m इंटू x इंटू dx डिवाइडेड बाई r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, ठीक। तो ये आपके पास क्या आ गया, सिंप्लीफाई होके मास ऑफ द रिंग आ गया। ये पॉइंट क्लियर है, यहां तक मास ऑफ द रिंग आ गया। इस मास ऑफ द रिंग को यहां पुट करते हैं तो y सेंटर ऑफ मास विल बी इक्वल टू dm, dm की जगह वैल्यू पुट करते हैं 2m x dx डिवाइडेड बाय, हाँ करूंगा अभी, ठीक, dm पुट कर रहा हूं और डिवाइडेड बाय कितना, r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। तो ये dm की वैल्यू आ गई dm इनटू, अब क्या करना है मुझे y, अब y के लिए काम करते हैं। इस ट्राइंगल में साइन थीटा किसके इक्वल है, दिस बाय दिस, या फिर कॉस थीटा किसके इक्वल है, y बाय x। तो एक काम करते हैं हम कॉस थीटा यूज कर लेते हैं, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, y डिवाइडेड बाय x, तो y की जगह हम क्या कर लेंगे, x इंटू कॉस थीटा, क्योंकि हमारी इंटीग्रेशन x की फॉर्म में चल रही है, तो हम इसमें y की जगह पुट कर लेते हैं x इंटू कितना, कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ 2m x dx डिवाइडेड बाय r स्क्वायर प्लस कितना h स्क्वायर,
ठीक, तो मैंने वाई की जगह क्या पुट कर लिया, एक्स कॉस थीटा, और एज यूजुअल थीटा में तो हम अपने कैलकुलेशन करेंगे नहीं, हम फिर से एक बार कॉस थीटा की वैल्यू बड़े ट्राइंगल से सब्सटीट्यूट कर लेंगे, तो कॉस थीटा की वैल्यू को फिर से एक बार पुट करते हैं, तो यू विल गेट अंडर रूट ऑफ 2 mx dx डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर एच स्क्वेयर इंटू एक्स इंटू कॉस थीटा। इस पूरे ट्राइंगल में कॉस थीटा किसके इक्वल है, ये टोटल हाइट कितनी है h और ये कितने हैं l, तो कॉस थीटा की वैल्यू पूरे ट्राइंगल में क्या आ रही है, कॉस थीटा विल बी इक्वल टू दिस एच डिवाइडेड बाय एल, दैट इज एच अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस कितना एच स्क्वायर, तो कॉस थीटा की वैल्यू आएगी। तो इस कॉस थीटा को यहाँ पुट कर देते हैं, जो कि आएगा एच डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस कितना एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ 2 mx dx डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस कितना एच स्क्वायर। हाँ, टोटल मास बन जाएगा वो, सही कह रहे हैं। तो नीचे वाले को पुट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो ठीक कह रहा है कि नीचे वाले में इंटीग्रेशन ऑफ dm चल रहा है ना, जो नीचे वाला पोर्शन है वो आपको सभी रिंग्स की इंटीग्रेशन करके देगा मास की, क्योंकि यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ dm का मतलब सभी रिंग्स को इंटीग्रेट करके टोटल मास निकाल लो, जो कि कोन का ही मास आ जाएगा। तो इसको अलग से चाहे पुट करने की जरूरत ही नहीं है, आप सीधा सीधा यहाँ पर आप मत करो, आप सीधा एरो बना के लिख लेना, यहाँ पर रब करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर सीधा सीधा हम क्या पुट कर लेंगे m, और m से m भी क्या हो जाएगा कैंसल। तो ये स्टेप में आप रब नहीं करो, आप सीधा उसमें पुट कर दो, cos थीटा जहाँ आपने पुट किया सीधा m से m कैंसल, तो y सेंटर ऑफ मास थोड़ा सिंप्लीफाई होकर आपके पास आ जाएगा 2x इंटू dx और इंटू एक्स, और cos थीटा की वैल्यू जो हमने निकाली h डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हो जाएगा, और बस इतनी सी इंटीग्रेशन आपके पास जो है ये इंटीग्रेशन बच जाएगी, दैट इज आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे रेज टू पावर क्या आएगा 3/2, कॉमन निकालते हैं कॉन्स्टेंट, 2 कॉन्स्टेंट है, h कॉन्स्टेंट है, और 2h बाहर आ गया, और आपके पास क्या बच गया इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx कहाँ से कहाँ तक आर स्क्वायर प्लस एक्स आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, रादर r और h दोनों ही कॉन्स्टेंट है, तो इसको भी बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ से r रेडियस कॉन्स्टेंट है कौन का, हाइट भी कॉन्स्टेंट है, तो यहाँ पर क्या आएगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होल रेज टू पावर कितना 3/2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे होल रेज टू पावर क्या हो जाएगा 3/2, इसकी पावर 1 है उसकी हाफ है, होल रेज टू पावर 3/2। ठीक, अब फाइनली कॉन्स्टेंट्स बाहर आ गए सारे, ना एच चेंज होने वाला है ना आर चेंज होने वाला है, अब एक्स चेंज हो रहा है, इसकी लिमिट पुट करनी है, बोलो क्या लिमिट लगाएं मेरा आंसर आ जाए। ओके, जीरो से कितने लोग बोलते हैं जीरो से एच, ओके वो ये कह रहे हैं कि ये डी एक्स है, ये डी एक्स है, फिर अगला डी एक्स है, फिर अगला डी एक्स है, फिर अगला डी एक्स है, फिर ये डी एक्स है, ये डी एक्स है, सारे डी एक्स मिलाओगे तो उनकी हाइट एच आएगी, जबकि मैंने फिगर में ड्रॉ किया ये डी एक्स है टेढ़ा डी एक्स है, ये डी एक्स है डी एक्स डी एक्स डी एक्स डी एक्स डी एक्स डी एक्स, आप कह रहे हो ये डी एक्स डी एक्स डी एक्स, तभी आप लिमिट लगा रहे हो जीरो से एच, जबकि लिमिट आएगी जीरो से एल, समझ में आ रहा है यहां तक। मैंने dx टेढ़ा लिया क्योंकि रिंग जो है उसकी थिकनेस बढ़ती जा रही है, क्योंकि कोन टेढ़ा होता है, ये कोई सिलेंडर तो है नहीं, अगर ये सिलेंडर होता और आप इसके आसपास हॉलो सिलेंडर होता रिंग्स लेते तो ऐसे केस में ये dx 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 ये बराबर हो जाए आ जाता और ये हाइट की इक्वल आ जाता। इस केस में कोन s है, तो कोन s है तो इसकी थिकनेस dx है, फिर dx है, फिर dx है, तभी तो आपने नोट किया होगा ये डिस्टेंस x वर्टिकल नहीं है, ये टेढ़ा x है, और x का स्मॉल एलिमेंट भी टेढ़ा ही होगा, वो सीधा नहीं हो सकता। तो इसलिए जीरो, देखो एक्स इज इक्वल टू जीरो पुट करोगे तो ये एलिमेंट आ जाएगा, एल पुट करोगे तो यहां पर आ जाओगे, इसमें तो कुछ है ही नहीं, वैसे भी खाली है, हॉलो है, हॉलो में क्या पुट करोगे, कुछ भी नहीं, क्योंकि यहां तो पूरे कर्व्ड सरफेस एरिया में पूरा मास पड़ा हुआ है, तो यहां पर जीरो से लेके एल, लेकिन एल किसकी इक्वल है अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो इसलिए जो स्लांट हाइट है उसके अकॉर्डिंगली ही इंटीग्रेशन होगी। तो यहां पर आपके पास क्या वैल्यू आएगी 2h डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होल रेज टू पावर कितना 3/2, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स क्यूब बाय क्या आएगा 3, कहां से कहां तक 0 से लेके अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और यहां पर 2h अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होल रेज टू पावर कितना 3/2, और 1/3 बाहर, एक्स की इंटीग्रेशन पुट करते हैं तो यहां पर क्या आएगा
एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल रेज टू पावर कितना, 3, जो कि 3/2 होता है, तो ये पूरी टर्म इस पूरी टर्म से क्या हो गया, कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया, 2h/3। तो यानी कि वर्टेक्स से सेंटर ऑफ मास कितनी हाइट पर लाई करेगा, 2h/3, तो बेस से कितनी हाइट पर लाई करेगा, h-2h/3 यानी कि h/3। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो ये प्रूफ, मैं फिर कह रहा हूं प्रूफ तो उन लोगों के लिए है जो एडवांस लेवल की प्रॉब्लम ज्यादा सॉल्व करेंगे आने वाले टाइम में, और जिसमें बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व होंगे। मेंस और नीट लेवल तक आपको ये प्रूफ्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको फॉर्मूलाज की जरूरत पड़ेगी, आपको बस वो एंड रिजल्ट पता होना चाहिए कि कोन का जो सेंटर ऑफ मास है वो कितनी हाइट पे होता है, दैट्स इट। प्रूफ सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाते हैं, आपका सोचने का तरीका थोड़ा अलग एंगल से होगा, और बड़े क्वेश्चंस जो हैं वो आप हैंडल कर पाओगे, बस इतना सा एडवांटेज, और कोई एडवांटेज नहीं। अदरवाइज मेंस और नीट तक आपको जरूरत नहीं है इन प्रूफ्स की, उसमें इतने बड़े क्वेश्चन नहीं आते, छोटे आते हैं। बट समझ में आ रहा है कि एक आइडिया आपको पता लग रहा है कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, ठीक। सो ये सेंटर ऑफ मास के कुछ पॉइंट्स थे जो हमने अभी डिस्कस किए, और अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन देने वाला हूँ। उन क्वेश्चन में से आप मुझे अगर 2 क्वेश्चन सॉल्व कर दो सेंटर ऑफ मास के, तो मुझे बहुत खुशी होगी, जितने भी मैं दूंगा। 2 का चैलेंज है, बोलो। सेंटर पे होता है रिंग का, रिंग है ना वो, तो ठीक है, वाई डिस्टेंस पे, ठीक है। जो मैं बुक फॉलो कर रहा हूँ, जो मुझे 2 बुक्स हैं जिसमें सेंटर ऑफ मास मुझे बहुत बढ़िया लगता है, और उनमें से एक बुक है डीसी पांडे, आप सारी बुक्स नहीं ले पाओगे, डीसी पांडे, इसके अंदर चैप्टर है कोलिजन्स एंड सेंटर ऑफ मास। ज़्यादातर बुक्स में कोलिजन सेंटर ऑफ मास इकट्ठा है, तो इसलिए मैंने अभी कोलिजन बहुत ही बेसिक लेवल की क्लास में करवाई है, लेकिन अब जो सेंटर ऑफ मास के साथ कोलिजन्स आएंगी उसमें आपको थोड़ा सा मतलब आप जो बुक्स में गिवन होता है वो आपसे सॉल्व होनी स्टार्ट हो जाएंगी अब, और इसी बहाने आपकी रिवीजन भी हो जाएगी वर्क एनर्जी पार की सारी। और मैं ये बुक जो है अभी कवर कर दूंगा, आज आधी कर दूंगा, कुछ प्रॉब्लम्स आज करूंगा सिर्फ सेंटर ऑफ मास की, कोलिजन्स की नेक्स्ट टाइम कर दूंगा, मतलब ये बुक मैं ख़त्म कर दूंगा 2 लेक्चर्स में। और दूसरी बुक जो है वो है बी एम शर्मा, वो भी आप बुक अब हर बुक नहीं ले सकते आप, तो उसके अंदर भी बहुत बढ़िया प्रॉब्लम्स हैं, और उसका लेक्चर जो है वो अगली बार है सेंटर ऑफ मास का, तो 2 लेक्चर्स हैं, एक आज है और एक अगली बार है, तो ये 2 बुक्स मैं ख़त्म कर दूंगा इन 2 लेक्चर्स में, ठीक। और एच सी हमने क्लास में कर ही ली थी, तो मतलब 3 बुक्स हम नॉर्मल पैरेलल में चलाते हैं, ठीक। तो ठीक है, क्वेश्चन लिखते हैं, हो सकता है आप, ऐसा नहीं है कि मुश्किल है, प्लीज़ 2 मीन्स कि आपको थोड़ा एफर्ट करना पड़ेगा, लेकिन हो जाएंगे सॉल्व। जैसे पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, मेरी मशीन ख़राब है तो मैं भी असाइनमेंट नहीं दे पाऊंगा आपको, तो मुझे ऐसे ही बोलना पड़ेगा क्वेश्चन, तो आप अभी ऐसे लिखो क्वेश्चन को और ऐसे ही आंसर बताओगे। देखो, सपोज देयर इज अ हेमिस्फीयर, लेट अस सपोज देयर इज अ हेमिस्फीयर एंड हेमिस्फीयर का रेडियस इज आर, हेमिस्फीयर का रेडियस इज कैपिटल आर एंड मास इज 4m, मास ऑफ हेमिस्फीयर इज 4m, इज फ्री टू स्लाइड विद इट्स बेस ऑन द स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल। सारा लिखने की जरूरत नहीं है, शीट में दे दूंगा, ये हॉरिजॉन्टल टेबल पे और ये फ्री टू मूव है, देयर इज नो फ्रिक्शन, ठीक। पार्टिकल ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन द टॉप, एक पार्टिकल है पॉइंट मास जिसके टॉप पे हमने रख दिया, ठीक। ये पार्टिकल ने नीचे आना शुरू कर दिया, ठीक, ये पार्टिकल ने नीचे आना शुरू कर दिया, जब ये नीचे आएगा तो ये हेमिस्फीयर पीछे जाएगा, बोट वाली प्रॉब्लम, बोट में आप आगे जाओगे तो आप खुद इमेजिन करो ना, आप एक हेमिस्फीयर के ऊपर हो और बहुत बड़ा हेमिस्फीयर, और किसी ने कहा कि जो जब आप स्लाइड करते हुए नीचे आ जाओगे ना, नीचे फ्रिक्शन तो है नहीं, तो वो जो हेमिस्फीयर है वो खुद जैसे जैसे नीचे आओगे हेमिस्फीयर पर जोर लगेगा और वो पीछे जाएगा, ठीक। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम की प्रॉब्लम है। क्वेश्चन है कि हेमिस्फीयर जब नीचे आ रहा है, और लेट अस सपोज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल निकालना है जो आपको, द एंगुलर, एक लाइन लिख लो, द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल रिलेटिव टू सेंटर ऑफ हेमिस्फीयर,
द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल रिलेटिव टू सेंटर ऑफ हेमिस्फेयर, द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल रिलेटिव टू सेंटर ऑफ हेमिस्फेयर एट एन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, एट एन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा व्हेन वेलोसिटी ऑफ हेमिस्फेयर इज वी, वेलोसिटी ऑफ हेमिस्फेयर इज वी इज, ये आपको निकालना है इज, तो इसका जो आंसर है मतलब आपको ओमेगा निकालना है, कब, जब ये पार्टिकल कहीं यहां पर आ गया मेकिंग एन एंगल ऑफ कितना थीटा, तो आपको ओमेगा निकालना है जो कि आएगा 5v डिवाइडेड बाय r इनटू कॉस ऑफ थीटा, ये प्रूव कर दो प्लीज, जब इसका एंगल थीटा होगा कैलकुलेट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा।
लो आप बताओ। देखो सबसे पहली चीज मैं एक पॉइंट डिस्कस करना चाहता हूँ जो मैंने शायद पहले भी डिस्कस किया होगा, नहीं किया तो भी कर देता हूँ, कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम करते थे, शायद एक बैच में डिस्कस भी हुआ होगा, कि अगर एक मैन आगे जा रहा है तो बोट पीछे आ रही है। तो मैंने मेथड वन मेथड टू शायद एक बैच में डिस्कस भी किया था, दूसरे बैच में कर देता हूँ अभी इकट्ठा ही, क्या कि सपोज करो मैंने बताया था कि अगर दिस इज़ अ बोट और दिस इज़ अ मैन, और मैंने बताया था कि अगर मैन आगे जा रहा है तो बोट पीछे आ रही है, लेट अस सपोज मैन का मास एम वन है और बोट का एम टू है, इसमें ये कॉन्सेप्ट लगने वाला है दरअसल, और मान लो वेलोसिटी मैन की वी वन है और बोट की कितनी है वी टू है, ठीक। और हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम कैसे लगाते थे कि m इंटू, देखो इनिशियल मोमेंटम दोनों का एग्जैक्टली जीरो है तो m इंटू वी वन मैन का प्लस, हम बोलते थे माइनस क्योंकि बोट पीछे आएगी, और जब बोट पीछे आएगी तो m1 प्लस m2 इंटू वेलोसिटी कितनी हो जाएगी v2 हो जाएगी, और हम बोलते थे m इंटू वी वन इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू कितना v2, वेयर v1 इज वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसकी एब्सोल्यूट वेलोसिटी है, एंड v2 इज वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू अगेन कर रहा हूं, ये इसकी एब्सोल्यूट वेलोसिटी है, ऐसा हम करते थे। और अगर बोट की वेलोसिटी निकालनी है हम बोट की वेलोसिटी निकाल सकते थे, ठीक, ऐसा हमने हमेशा किया। मेथड टू, ये मेथड वन है। अब मेथड टू में कई क्वेश्चन में, जैसे इस क्वेश्चन की बात हो रही है, मेथड टू में कभी कभी आपको रिलेटिव वेलोसिटीज चाहिए होती हैं, मैं दिखाता हूं कैसे। फॉर एग्जाम्पल ये मान लो मैन, मास एम वन, मास एम टू, बोट इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ कितना v2, एंड मैन इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू बोट, मैंने चेंज कर दिया, मैंने v1 नहीं लिया, v1 का मतलब मैन की वेलोसिटी थी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मैंने कहा कि मान लो क्वेश्चन में गिवन है कि मैन की वेलोसिटी गिवन है लेकिन विद रिस्पेक्ट टू बोट गिवन है, तो आपको बोट की वेलोसिटी निकालनी है फिर कितनी है, वो तो v2 रहेगी, वो तो रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालनी है मुझे, ठीक। तो मैंने बताया था ऐसे क्वेश्चन में आप ये करोगे, आप इसमें m1 into velocity of man with respect to boat momentum m1 v1 is equal to, जब आपने यहां पर relative velocity consider कर ली तो अब आप बोट का मोमेंटम m2 into v2 लोगे, m1 plus m2 नहीं लोगे, उसका रीजन बताया था क्योंकि मैन विद रिस्पेक्ट टू बोट की जो वैल्यू आएगी वो m2 by m1 into क्या आएगी v2, और मैन वी मैन रिस्पेक्ट टू बोट को लिख सकते हो वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ बोट इज इक्वल टू एम टू बाई एम वन इंटू कितना वी टू, या फिर वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस बोट की वेलोसिटी कैन बी रिटन एज वेलोसिटी ऑफ बोट इज वी टू, क्वेश्चन में गिवन है ये, इज इक्वल टू एम टू डिवाइडेड बाई एम वन इंटू कितना वी टू, या फिर वेलोसिटी ऑफ मैन इज इक्वल टू वी टू कॉमन आ गया वन प्लस एम टू डिवाइडेड बाई एम वन, इसको एलसीएम लोगे तो एम वन इंटू वेलोसिटी ऑफ मैन with respect to ground obviously is equal to m1 plus m2 into क्या जाएगा v2, answer same आएगा, इसको v1 put कर लो same आएगा, पर हम क्योंकि इतना complex उसमें पढ़ते नहीं है relative के चक्कर में, हम absolute से काम करते हैं तो हमारे लिए ये concept ज़्यादा easy हो जाता है, ठीक। तो ये चीज़ हमने शायद कल दूसरे batch में discuss किया था, आपके batch में ये भी discuss होना था, तो ये points सबको clear है, ठीक है यहाँ तक। अब इसके अंदर कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे। अब इसके अंदर क्वेश्चन में क्या गिवन है कि एक स्फेयर जो है वो नीचे आता जा रहा है, जिस वजह से हेमिस्फेयर जो पॉइंट मास है वो नीचे आ रहा है तो हेमिस्फेयर पीछे जा रहा है, और मुझे पता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम तो लगने वाला है, पर वो लगाना नहीं आ रहा मुझे, वो क्या होगा कि अगर वो मुझे लगाना आ गया तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो मैं आपको एक हिंट दे सकता हूं, अगर आप क्वेश्चन ट्राई करना चाहो उस हिंट के साथ तो हो सकता है आपका क्वेश्चन सॉल्व ही हो जाए। ये कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये पहला स्टेप समझ में आ गया ना कि फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, आपको मास में m2 में m1 ऐड नहीं करना अगर आपने यहां पर रिलेटिव वेलोसिटी ली है, ठीक। आपको इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, इसमें आपको क्योंकि क्या गिवन है, आपको इसमें ओमेगा की वैल्यू निकालनी है जैसा कि क्वेश्चन में मेंशनड है, और वेलोसिटी वी किसकी गिवन है,
बुक में देख लेते हैं। ओके, इसके अंदर आपको वी किसकी गिवन है, वेलोसिटी, हेमिस्फेयर की वेलोसिटी गिवन है। ठीक, तो मेरे को एक चीज बताओ कि अगर ये पार्टिकल यहां आ जाता है, जैसे मैंने आपको बताया ये पार्टिकल यहां आ जाता है, और मैं इसकी वेलोसिटी कंसिडर करूं, टेंजेंशियली करूंगा ऑब्वियसली, सच दैट हेमिस्फेयर की वेलोसिटी जब किसी इंस्टेंट पर कितनी हो गई वी, एंगल कितना कवर कर लिया पार्टिकल ने थीटा, उस टाइम इसकी वेलोसिटी इज सपोज वी आर, वी आर का मतलब इसकी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू हेमिस्फेयर इज रिलेटिव, तो दिस इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पॉइंट मास विद रिस्पेक्ट टू हेमिस्फेयर। आप कहोगे सर रिलेटिव वेलोसिटी क्यों ले रहे हो, इसकी एब्सोल्यूट क्यों नहीं ले रहे। ठीक, रीजन ये है क्योंकि जब ये घूम रहे इस स्फीयर के ऊपर तो उस केस में हेमिस्फेयर साथ चल रहा है। मान लो मेरे क्वेश्चन में हेमिस्फेयर चल ना रहा होता तो मैं इस इंस्टेंट में इसकी वेलोसिटी कुछ भी एब्सोल्यूट लेता वी, और मैं फॉर्मूला लगा लेता ओमेगा का वी डिवाइडेड बाय रेडियस आर। लेकिन प्रॉब्लम यह है इसमें हेमिस्फेयर चल रहा है, हेमिस्फेयर चलने से मुझे यहां पर क्या लगाना पड़ेगा, रिलेटिव वेलोसिटी बाय आर, इसीलिए मेरे को रिलेटिव वेलोसिटी चाहिए होगी इस पॉइंट की। तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है, v ऑफ r, तो अगर आप मुझे v ऑफ r बता दो ना, मैं r से डिवाइड करके ओमेगा निकाल लूंगा, बिकॉज v इज r ओमेगा, लेकिन v इज इक्वल टू r ओमेगा में v पार्टिकल की वेलोसिटी हुआ करती है, पर प्रॉब्लम मेरी क्या है इस क्वेश्चन में, पार्टिकल की वेलोसिटी तब हुआ करती है जब नीचे वाला जिस सरफेस पे वो स्लाइड कर रहा होगा वो सरफेस मूव ना करे, अगर वो सरफेस भी मूव कर रही है तब आपको क्या लेनी पड़ती है, रिलेटिव वेलोसिटी। अब इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व कर सकते हो तो करो, नहीं जब ये स्लाइड आगे करेगा तो हेमिस्फीयर पीछे जाएगा ना, उस इंस्टेंट पे है किसी पॉइंट पे, हाँ मतलब जब ये नीचे आ गया तो इसकी वेलोसिटी उस इंस्टेंट पर वी थी, ताकि आप इस इंस्टेंट पर लगा सको मोमेंटम कंजर्वेशन। तो बस आप ये पहला पॉइंट समझ में आ गया, बाकी सारी बातें ठीक है कि आपको रिलेटिव वेलोसिटी लेनी है इसमें, और कब लेनी है रिलेटिव वेलोसिटी, आपको रिलेटिव वेलोसिटी तब लेनी होती है जब नीचे वाला मास क्या हो रहा होता है, मूव कर रहा होता है, तो नीचे वाला मास जब मूव कर रहा होगा और आपको ओमेगा निकालने को आएगा, आप वी से नहीं निकाल सकते, आपको वी आर लेना पड़ेगा, इसलिए मैंने वी आर लिया, नहीं तो मैं रिलेटिव वेलोसिटी से क्वेश्चन को करना पसंद नहीं करता, मैं एब्सोल्यूट वेलोसिटी से करना पसंद करता हूं। पॉइंट क्लियर है यहां तक,
तो लंबा काम है, 10 मिनट। आपका लेट सुबह ठीक रहते हैं, सुन देता हूँ, रुको आवाज कटती सुन। ओके देखो इसमें आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले इसमें ये एंगल थीटा, तो आप इसमें ना वर्टिकल में ये ड्रॉ करो, दिस इज थीटा, ठीक, एक एंगल थीटा, तो ये भी क्या हो जाएगा थीटा, ये थीटा होगा तो ये भी क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा थीटा, तो दिस इज इक्वल टू वी ऑफ आर इंटू कितना कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा वी ऑफ आर इंटू साइन थीटा। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक, तो वी ऑफ आर इंटू कॉस थीटा, वी ऑफ आर इंटू साइन थीटा, ठीक। अब क्योंकि हमने जो मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना है, वो मोमेंटम कंजर्वेशन किस डायरेक्शन में लगाना है, एक्स एक्सिस में, क्योंकि जो हेमिस्फीयर है उसकी मूवमेंट कहाँ होगी, अलोंग एक्स एक्सिस। तो इसमें ये जो मास एम है, इसका मोमेंटम एक्स एक्सिस में क्या होगा, वी आर कॉस थीटा, ठीक। तो मैं यहाँ पर क्या लगाऊंगा, एम इंटू वी आर इंटू कॉस थीटा पार्टिकल के लिए, और हेमिस्फीयर के लिए क्या लगाऊंगा, फोर ऑफ एम, फोर एम इंटू वेलोसिटी क्या करेंगे इसमें, वी, ठीक, फोर एम इंटू वेलोसिटी वी, ठीक। कोई पॉइंट, कोई डाउट इसमें? अब इसमें एक प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है कि इसमें ये जो वेलोसिटी है किसी भी इंस्टेंट पे, ये ना विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड गिवन है हेमिस्फीयर की, ठीक, और ये जो वेलोसिटी है वी आर कॉस थीटा, ये पार्टिकल की वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू हेमिस्फीयर, ठीक है यहां तक, विद रिस्पेक्ट टू हेमिस्फीयर। अब अगर मैं यहां पर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लगा रहा हूं, यहां पर विद रिस्पेक्ट टू हेमिस्फीयर लगा रहा हूं, तो इस केस में या तो ये भी ग्राउंड हो, ये भी ग्राउंड हो, या ये भी हेमिस्फीयर हो, ये भी टोटल हेमिस्फीयर हो, तो मेरे को एक काम करना पड़ेगा, इसमें वी आर कॉस थीटा वेलोसिटी से ये पार्टिकल कहाँ जा रहा है, राइट की तरफ जा रहा है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू हेमिस्फीयर, तो हेमिस्फीयर कहाँ जा रहा है, पीछे जा रहा है, कितनी वेलोसिटी से पीछे जा रहा है, वी वेलोसिटी से पीछे जा रहा है। तो अगर मैं हेमिस्फीयर जो कि वी
वेलोसिटी से पीछे जा रहा है, इसके अंदर जो पार्टिकल है, पार्टिकल में वी आर इंटू कॉस थीटा से वो आगे जा रहा है, लेकिन अल्टीमेटली अल्टीमेटली उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, वी आर कॉस थीटा, वो आगे जा रहा है लेकिन हेमिस्फीयर को पीछे लेके आ रहा है, और हेमिस्फीयर उसको जो पीछे लेके आ रहा है तो उसके साथ ये वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज एम इंटू वी आर कॉस थीटा माइनस वी मस्ट बी इक्वल टू 4m इंटू वी। अच्छा ऐसे नहीं करना, कईयों को इसमें दिक्कत आती है, मैं एक मिनट मैं एक बार इसको ऐसे समझा सकता हूँ। अगर आप इसे ओपन करो, m इंटू वी आर इंटू क्या आएगा, cos थीटा आएगा, माइनस क्या आएगा, m इंटू वी आएगा, इज इक्वल टू क्या आएगा, 4m इंटू अगेन वी आएगा, m इंटू वी आर इंटू कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू m प्लस 4m इंटू वी आएगा। ठीक, तो आप m प्लस 4m के साथ काम करना चाहते हो तो भी कर सकते हो, अदरवाइज आप माइनस करना चाहते हो आप तो भी कर सकते हो। तो आप इस तरीके से कर सकते हो कि अगर मान लो जो पार्टिकल है उसका मोमेंटम आगे की तरफ है एक्स एक्सिस के अलोंग, एंड जो 4m है, जो 4m है उसका उसकी वेलोसिटी कहाँ है, पीछे की तरफ है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, विद रिस्पेक्ट टू हेमिस्फेयर है, तो इसमें से हेमिस्फेयर की वेलोसिटी माइनस कर दो या फिर इसमें मास ऐड कर दो, एक ही बात है, तो आपकी इक्वेशन एग्जैक्टली सेम बनेगी। तो यहां से जब आप इसे सॉल्व करोगे तो वी आर की जो वैल्यू आएगी एम इंटू वी आर इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 5 इंटू एम इंटू वी, एम से एम कैंसल, वी ऑफ आर इज इक्वल टू 5 ई डिवाइडेड बाई क्या आएगा, कॉस ऑफ थीटा। इस वी आर को अगर आप यहां पुट करोगे तो आपके पास ओमेगा की वैल्यू आएगी। तो ये आपके ऊपर है कि आपको कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है, 5m वाला लगाना है या माइनस करना है, पर अदरवाइज आपको लेना यहां पर रिलेटिव ही है, नहीं तो आपको ओमेगा नहीं आएगा इसमें। बोलो। नहीं, मैं आपको बताता हूं कि इसमें जैसे मैंने पिछला केस सॉल्व किया, पिछले केस में जो सेकेंड मेथड था, सेकेंड मेथड उसकी फर्स्ट लाइन क्या थी कि m इंटू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू b इज इक्वल टू मास m कैपिटल m इंटू वेलोसिटी ऑफ बोट। अब प्रॉब्लम इसके अंदर भी क्या थी कि वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू बोट है और राइट साइड पे क्या है, वेलोसिटी ऑफ बोट है। इसका सीधा आखिरी स्टेप पे आ जाओ, आखिरी स्टेप में क्या किया, m इंटू वेलोसिटी ऑफ मैन एब्सोल्यूट कर लिया, मस्ट बी इक्वल टू क्या किया, m प्लस m इंटू v ऑफ b। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि जो मैन है उस टाइम मूव कर रहा था किसी वेलोसिटी के साथ, अब वो जो वेलोसिटी है या तो उसकी एब्सोल्यूट होगी या विद रिस्पेक्ट टू बोट होगी। अब जैसे इसके अंदर मान लो इसकी वेलोसिटी कितनी है, वी आर, किसी इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी वी आर है, जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी मान लो वी आर है, और वी आर उस इंस्टेंट पर वेलोसिटी है जब इसकी वेलोसिटी वी है, तो बेसिकली ये वी आर के जब मैंने कॉम्पोनेंट्स लिए तो क्योंकि मैंने इसमें रिलेटिव वेलोसिटी ली और मैं अपना काम किस में कर रहा हूं, एब्सोल्यूट में कर रहा हूं, तो मेरे को इसमें चाहिए वी आर था, तो इसलिए मैंने इसमें से माइनस किया ताकि विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आ जाए। तो कहने का मतलब है क्योंकि ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड चल रहा है और ये रिलेटिव चल रहा है, तो रिलेटिव का मोमेंटम और ग्राउंड का मोमेंटम इक्वल नहीं कर सकते, तो इसलिए मैंने इसमें क्या किया, माइनस ऑफ वी करके इसको ग्राउंड में कन्वर्ट करके अपना वी आर की वैल्यू को कैलकुलेट किया। नहीं तो फिर वो ठीक है, उसके अंदर m इंटू वी आर कॉस थीटा इज 5m इंटू वी कर दोगे तो भी बात खत्म आ गई, क्योंकि जब हेमिस्फीयर पीछे मूव कर रहा है तो 5m मास पीछे लेके जा रहा है, और कितनी वेलोसिटी से पीछे लेके जा रहा है, v वेलोसिटी से पीछे लेके जा रहा है, तो वहां से करोगे तो भी आपके पास आंसर आएगा।
एक मिनट, मैं इस क्वेश्चन को वापस डिस्कस कर रहा हूँ, एक मिनट, मैं पैरल में एक और क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, उस क्वेश्चन के बेस पे इस क्वेश्चन को फिर एक बार मिलाते हैं, ठीक, एक बार फिर से लगा के देखते हैं। तो इसमें मेरे हिसाब से मैंने क्या किया कि हमने रिलेटिव वेलोसिटी ली, रिलेटिव वेलोसिटी जो थी विद रिस्पेक्ट टू हेमिस्फेयर थी, मैंने ग्राउंड को कन्वर्ट करने के लिए माइनस वी कर दिया, तो मेरा ये आंसर आया। मैं एक और क्वेश्चन देता हूँ, आप प्लीज उसमें ट्राई करके देखो, मे बी आपके पास आंसर मैच करे या ये कॉन्सेप्ट अभी क्लियर होगा उससे। ऐसे ही कोई क्वेश्चन देता हूँ मूविंग पार्टिकल वाला। ये एक बढ़िया क्वेश्चन है, मैं भी यहां से बात बने। क्वेश्चन है, नोट करो जरा, लेट अस सपोज, इसके अंदर भी ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट है, एक इंक्लाइन प्लेन है, मास m, एंगल इज थीटा, एंड दिस मास इज m, ये मास स्लाइड करता हुआ नीचे आ रहा है और फ्रिक्शन इज एबसेंट एवरीवेयर, ये मास नीचे आ रहा है, ये वेज पीछे जा रहा है, बिल्कुल, हाँ मास सेम है, तो ये ब्लॉक नीचे आ रहा है, ये वेज पीछे जा रहा है, और आपको इसमें क्या निकालना है, आपको इसमें निकालना है सेंटर ऑफ मास ऑफ ब्लॉक एंड वेज क्या होगी, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ ब्लॉक एंड वेज क्या होगा, ये आपको कैलकुलेट करना है, दोनों सेम मास है। ये कह रहे हैं सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होगा क्योंकि मोमेंटम कंजर्वेशन है, एक्स एक्सिस में चेंज नहीं होगा, मास नीचे आ रहा है, वाई में चेंज होगा, सेंटर ऑफ मास वाई, मास नीचे आ रहा है ना, वो वाला ऊपर से, सर ध्यान से समझो, मोमेंटम कंजर्वेशन एक्स में तो लगेगा जब ब्लॉक नीचे आएगा, या जब वेज पीछे जाएगा ब्लॉक नीचे आएगा, तो एक्स एक्सिस का सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होगा, बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब वहां से उठ के मास नीचे आ जाएगा तब तो सेंटर ऑफ मास सिस्टम का नीचे आ रहा है। अब 100 किलो का मास ऊपर था, 100 किलो का मास नीचे आ जाएगा, तो एक्स एक्सिस में कोई चेंज नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ एक्स एक्सिस में मत कैलकुलेट करना, अपना क्वेश्चन वाई में कैलकुलेट करना, तो वाई एक्सिस का सेंटर ऑफ मास नीचे आएगा, तो एक्सेलरेशन बतानी है उसकी क्या होगी। अच्छा वैसे भी सोचो m1a1 + m2a2 / m1 + m2 ना, तो जो वेज है और जो ब्लॉक है, जी साइन थीटा से ब्लॉक नीचे आ रहा है, तो आपको ये बताना है कि जो वेज है उसकी भी तो कोई एक्सेलेरेशन होगी, तो अल्टीमेटली उसकी एक्सेलेरेशन तो एक्स एक्सिस में ही होगी, वाई में तो होगी नहीं, पर वेज की तो वाई में होगी, ब्लॉक की तो वाई में होगी, तो वाई एक्सिस में सेंटर ऑफ मास की एक्सेलेरेशन निकलेगी इसमें, हाँ मूव करता हुआ, वो तो जी साइन थीटा की फॉर्म में आंसर होगा ना, उससे फर्क नहीं पड़ता।
मैं इसका आंसर लिख रहा हूँ, आप उसको वेरीफाई करोगे ठीक, ताकि आपको ये पता लग जाए कि सही है कि गलत है। इसका आंसर है, हाँ इसका आंसर है एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी इक्वल टू वाई एक्सिस में एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी इक्वल टू जी साइन स्क्वायर थीटा बाय वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा। सर ये सिस्टम का सेंटर ऑफ मास होगा ना, ब्लॉक का क्यों होगा? ब्लॉक का होगा फिर तो जी साइन थीटा नहीं हो जाएगा नीचे की तरफ। सिस्टम का एम वन ए वन प्लस एम टू ए टू डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू। लो पेन दो यार, मैं पिछला इसमें आपको इसमें क्या करना है कि ब्लॉक नीचे आएगा, वेज पीछे जाएगा ठीक। वेज की जो एक्सेलरेशन है लेट अस सपोज पीछे की तरफ वो ए है, और ब्लॉक नीचे आ रहा है विद द एक्सेलरेशन ऑफ ए ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू वेज। ए आर की वही दो कंपोनेंट्स लो, और ये याद रखना एक्स एक्सिस में सेंटर ऑफ मास अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा, और जब एक्स एक्सिस में सेंटर ऑफ मास अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा तो एक्स एक्सिस में ब्लॉक की एक्सेलरेशन और वेज की एक्सेलरेशन विल बी सेम। वहां से आपके पास ए आर और ए का रिलेशन आएगा, कुछ सोचो। तो आपको बेसिकली निकालना क्या है, आपको तो m1 a1 निकालना है। अब a1 का मतलब है ब्लॉक की एक्सेलेरेशन अलोंग y एक्सिस, और a2 का मतलब है वेज की एक्सेलेरेशन अलोंग y एक्सिस, जो कि होगी नहीं, ब्लॉक की निकालनी पड़ेगी। तो वहां से कुछ कंपोनेंट्स ड्रॉ करो, पहले ar लो जैसे पिछले क्वेश्चन में लिया था, ar के कंपोनेंट्स ड्रॉ करो और फिर ट्राई करो एक बार। होगा नहीं, नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं एक्सेलेरेशन तो होगी, सेंटर ऑफ मास नहीं मूव करेगा, ब्लॉक की एक्सेलेरेशन निकाल लेते हैं। कर दो प्रूफ, चेक करता हूं, दो मिनट दो फिर। Thank you.
अच्छा उनको डिस्कस करते हैं, फिर मैं पुराने क्वेश्चन को एक बार मैंने ट्राई किया एक बार, उसको जस्टिफाई करते हैं कि कैसे किया। दो मिनट देखो, सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर मैंने क्या बताया कि पहले आप ये फिगर बनाओ कि लेट अस सपोज किसी इंस्टेंट पर, क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है, इट इज़ मूविंग बैकवर्ड विद सम एक्सेलरेशन ऑफ ए किसी इंस्टेंट पर, एंड ये ब्लॉक इज मूविंग विद एन एक्सेलरेशन ऑफ ए ऑफ आर नीचे की तरफ विद रिस्पेक्ट टू दिस वेज, सच दैट इसका एक कॉम्पोनेंट, क्योंकि ये थीटा तो ये थीटा हो जाएगा, इज ए आर इंटू कॉस थीटा, और नीचे की तरफ ए ऑफ आर इंटू कितना, साइन थीटा। ठीक हो गया यहां तक? अब ये वेज पीछे मूव कर रहा है, ब्लॉक आगे मूव कर रहा है, और इसमें जो सेंटर ऑफ मास है अलोंग x एक्सिस विल नॉट मूव, जो सेंटर ऑफ मास है x एक्सिस के अलोंग मूव नहीं करता, तो इस वजह से जो ब्लॉक की एक्सेलरेशन है पीछे की तरफ, ब्लॉक की एक्सेलरेशन जो है आगे की तरफ, सॉरी कितनी है, a ऑफ r cos थीटा, लेकिन ये जो एक्सेलरेशन है ये रिलेटिव एक्सेलरेशन है विद रिस्पेक्ट टू वेज, और वेज की पीछे की एक्सेलरेशन कितनी है a, तो वेज की एक्सेलरेशन एंड अलोंग x एक्सिस ऑब्वियसली एंड ब्लॉक की एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस में सेम होनी चाहिए। वेज की एक्सेलरेशन कितनी है, ए है, लेकिन ये एक्सेलरेशन क्या है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, ठीक, और ब्लॉक की एक्सेलरेशन कितनी है, ए ऑफ आर कॉस थीटा है, ए ऑफ आर कॉस थीटा, लेकिन ये विद रिस्पेक्ट टू वेज है, और अगर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बनाना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस से, ठीक, तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड करने के लिए इसको माइनस से कर लिया, इक्वेट कर दिया। इक्वेट क्यों किया, क्योंकि एक्स एक्सिस में देयर विल बी नो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो इसे इक्वेट किया, तो यहां से वैल्यू आ गई 2a इज इक्वल टू a ऑफ r इनटू कितना, cos थीटा। तो यहां से आपके पास ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1, ठीक, इक्वेशन नंबर 1 जिसके अंदर 2a इज इक्वल टू ar cos थीटा, ठीक। नेक्स्ट केस करते हैं, जो नेक्स्ट केस है उसमें मुझे करना क्या है, पहले इस चीज को देखते हैं। जो नेक्स्ट केस है उसके अंदर हमें निकालना क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालनी है, हमें इस क्वेश्चन में एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालनी है। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे निकलता है, m1 a1 m2 a2 m1 प्लस m2, ये पॉइंट क्लियर है, और ये एक्सेलरेशन y एक्सिस के अलोंग निकल रही है, तो यहां पर y एक्सिस के अलोंग a ऑफ i चलेगा, ये भी पॉइंट क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट है, मेरे को एक चीज पता है कि a ऑफ y, m1 मास तो सेम है, a1 का मतलब मान लो ब्लॉक है और इसका मतलब सपोज वेज है, वेज तो मूव ही नहीं कर रहा y के अलोंग, क्योंकि हम अपना ये फॉर्मूला किसके अलोंग लगा रहे हैं, y के अलोंग लगा रहे हैं, ये तो मूव ही नहीं कर रहा, तो जिस वजह से ये वैल्यू क्या आएगी, जीरो। तो एक मास कितना है इसमें, m, m, और एक्सेलरेशन a1 की जो वैल्यू आएगी क्या पुट करेंगे, अब ये किसकी है, ब्लॉक की, ब्लॉक की एक्सेलरेशन y एक्सिस में आपको क्या दिख रही है, ar sin थीटा, तो यहां पर क्या आएगा, ar साइन थीटा डिवाइडेड बाय 2m, m से m कैंसल, तो क्या आएगा, ar sin थीटा डिवाइडेड बाय 2,
अब अगर मैं आपको क्वेश्चन में ए आर बता दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक। और ए आर कैसे पता लगेगा? यहां से लगेगा, लेकिन उसके लिए मुझे क्या ढूंढना पड़ेगा? ए ढूंढना पड़ेगा। तो बस अगर आप मुझे ए बता दो तो मेरा आंसर आ जाएगा। ए निकाल सकते हो, वी साइन थीटा, ओ जी साइन थीटा, पुट करके देख ले आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। नहीं करेगा। अभी इसमें वो कॉन्सेप्ट भी तो लगेगा जो एक बार किया था कि अगर वेज के ऊपर ब्लॉक मूव करता है और वेज पीछे आता है तो नॉर्मल रिएक्शन, सूडो फोर्स, सूडो फोर्स भी तो आएगी इसमें, क्योंकि वेज मूव कर रहा है विद ए तो ब्लॉक के ऊपर सूडो फोर्स लगेगी और जाता जाता जो ब्लॉक है वो उस पर फोर्स लगा रहा है, नॉर्मल फोर्स। जब ब्लॉक नीचे उतरता है तो नॉर्मल फोर्स लगाएगा वेज पे, जिस वजह से वेज कहाँ जाएगा? पीछे जाएगा। तो वहां से ए आएगा कुछ। क्यों हो गया? तो एक बार उसको जो है मैं निकाल देता हूँ इसे, फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक नोट कर लिया। एक काम करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 तक इसको यहीं रखते हैं, एआर की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले डायग्राम बनाओ वेज के लिए, वेज का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। तो वेज का फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा? वेज के फ्री बॉडी डायग्राम में दिस इज थीटा, दिस इज ब्लॉक, ये एक ब्लॉक है, ब्लॉक जो है ब्लॉक नीचे आ रहा है एंड सच दैट यहां पर क्या है, नॉर्मल रिएक्शन एन, नॉर्मल रिएक्शन एन एंड दिस इज अगेन एन, दिस इज अगेन एन, सच दैट दिस इज थीटा, तो दिस एंगल इज अगेन थीटा एंड दिस इज थीटा, तो यहां पर क्या लगेगी? सूडो फोर्स एम ए। एक बार चेक करो इस डायग्राम को, पता नहीं आ रहा तो जा रहा है, ठीक। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं कि जब ये ब्लॉक नीचे जाएगा तो मैंने क्या बताया कि इसका इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा और जितना रिएक्शन एन लगता है उतना ही ये ब्लॉक वेज के ऊपर लगाएगा, तो ये वेज के ऊपर कितना नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा? एन, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स है। तो अगर ये थीट है, ये 90 माइनस थीट है, तो यहां से मेरे पास क्या आएगा? दिस इज 90 माइनस थीटा, तो ये कॉम्पोनेंट क्या आएगा? एन इंटू कॉस ऑफ कितना? 90 माइनस थीटा, ठीक। और क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये जो वेज है ये मूव कर रहा है n इंटू कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, तो n इंटू कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा जो भी के फोर्स होगी, n इंटू कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, दिस मस्ट बी इक्वल टू व्हाट? इसका मास कितना है? m, इसको छोड़ देते हैं क्योंकि तो ब्लॉक की फोर्स है, तो इसका मास कितना है? m, एंड इट इज मूविंग विद सम एक्सेलरेशन ऑफ ए। तो क्या मैं इक्वेशन बना सकता हूं कि इसको कौन सी फोर्स लेफ्ट की तरफ लेके जा रही है? एन इंटू कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, और दिस मस्ट बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, दैट इज एन इनटू साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू एम इनटू इक्वेशन नंबर 1 के बाद इक्वेशन नंबर 2, ठीक। ऐसा क्वेश्चन पहले भी डिस्कस किया था कि जब एक वेज के ऊपर ब्लॉक मूव कर रहा होता है तो एन साइन थीटा या नॉर्मल रिएक्शन का एक कॉम्पोनेंट वेज के ऊपर जाके लगता है जो उसमें एक्सेलरेशन जनरेट करता है। ये एक इक्वेशन आ गई, और लास्ट इक्वेशन बनाएंगे ब्लॉक की, ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम के अकॉर्डिंगली। लेट अस सपोज ये एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है, सच दैट ब्लॉक, सिर्फ ब्लॉक ब्लॉक का डायग्राम बनाना है हमने, ब्लॉक का वेट कितना है? एम जी, एंड सच दैट दिस इज थीटा एंड दिस इज एम जी कॉस थीटा एंड दिस इज एम जी साइन थीटा। ब्लॉक के ऊपर भी तो एक रिएक्शन लग रहा है जो कि कितना है? एन। ब्लॉक की रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन की फोर्स कितनी है? एन, ठीक। और ब्लॉक पे एक एक्स्ट्रा फोर्स लग रही है जिसको क्या बोलते हैं? सूडो फोर्स एम ए, क्योंकि वेज पीछे लेफ्ट की तरफ जा रहा है तो ब्लॉक के ऊपर सूडो फोर्स एम ए राइट की तरफ लगेगी, सच दैट यहां पर जो कॉम्पोनेंट बनेगा, दिस इज थीटा, दिस इज 90 माइनस थीटा, दिस इज अगेन थीटा एंड दिस इज 90 माइनस थीटा, तो एम ए का एक कॉम्पोनेंट यहां कितना आएगा? एम ए इंटू कॉस ऑफ कितना? 90 माइनस थीटा, ठीक। और इस केस में इन्हें अगर हम इक्वेट करेंगे तो एम जी कॉस थीटा विल बी इक्वल टू एन
प्लस एम ए इंटू कॉस ऑफ कितना 90 माइनस थीटा। वर्टिकल फोर्सेस में देखो नॉर्मल रिएक्शन, इसमें एम जी कॉस थीटा नहीं होगा। एक बार पहले भी डिस्कशन हुआ था, तो जब कोई सिस्टम चल रहा होता है, जब मास चल रहा होता है और वेज भी चल रहा होता है, तो नॉर्मल रिएक्शन एम जी कॉस थीटा नहीं होता। नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू यहां से क्या आएगी, एम जी इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू एन प्लस एम ए इंटू कितना साइन थीटा। तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आएगी एम जी इंटू कॉस थीटा माइनस एम ए इंटू साइन थीटा। इस नॉर्मल रिएक्शन को उठा के यहां पुट कर दो तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, ए की। ए को उठा के यहां पुट कर दो, किसकी वैल्यू आ जाएगी, ए ऑफ आर की। लंबा क्वेश्चन है, तो यहां से ए ऑफ आर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2g साइन थीटा बाय 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इस ए आर को उठा के यहां पुट कर दो तो क्या जाएगा, वही आंसर आएगा। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, मतलब सोच नहीं सकता बंदा कि इस तरीके से होगा फर्स्ट टाइम। तो किसी स्टूडेंट ने प्रॉब्लम दी थी, मैंने आज भी ये लिखी हुई है कि ये प्रॉब्लम लास्ट ईयर के स्टूडेंट ने दी थी कि सेंटर ऑफ मास की वैल्यू निकालनी है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं स्टूडेंट्स की जो कहीं ना कहीं डिस्कशन होती रहेगी, बट समझ में आ रहा है यहाँ तक कि कैसे करना है। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ कि सेंटर ऑफ मास वाई एक्सिस पे मूव करेगा और ये फॉर्मूला लगेगा। वाई एक्सिस में ए ऑफ आर साइन थीटा एक्सेलेरेशन होगी। ए आर की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो आप क्या करोगे, फ्री बॉडी डायग्राम वेज का और ब्लॉक का बनाओगे। वेज का फ्री बॉडी डायग्राम के अंदर एन रिएक्शन एक फोर्स लगेगी वेज के ऊपर, जिसके दो कंपोनेंट्स होंगे। तो ये वेज पीछे जा रहा है विद सम एक्सेलेरेशन ऑफ ए, तो एन इनटू कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा इज एम ए। तो यहां से एक इक्वेशन है। और ब्लॉक जो है, ब्लॉक और क्योंकि सेंटर ऑफ मास के एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव नहीं करेगा, तो ये रिलेशन तो निकाला हुआ है इसमें। और जो ब्लॉक है उस पर एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, एक सूडो फोर्स का कंपोनेंट लगेगा और एक एम जी कॉस थीटा, वहां से नॉर्मल रिएक्शन आएगा। इस नॉर्मल रिएक्शन को उठा के कहां पुट करेंगे, यहां पुट करेंगे और आपके पास क्या आएगा, ए ऑफ आर से आपके पास वैल्यू आएगी। पॉइंट क्लियर है, तब तक बाद में समझा दूंगा, जाना चला जा। ओके ठीक, ये पॉइंट क्लियर है यहां तक कि सेंटर ऑफ मास वाई एक्सिस के लॉन्ग नीचे आएगा और कितनी एक्सलेशन के साथ नीचे आएगा, कोई डाउट इसमें। मैं फर्स्ट क्वेश्चन को एक बार डिस्कस करता हूँ। मैंने कुछ मेथड फॉर्मुलेट किया जिससे मुझे इसमें एक एरर मुझे दिखाई दे रहा है। मैं फर्स्ट क्वेश्चन को एक बार फिर से डिस्कस करता हूँ ताकि और क्लियर हो जाए। उसमें एक छोटी सी गलती है, बोलो किसमें ले सकते हैं, रिक्वायर्ड नहीं ना, एन करूंगा क्या निकाल के। उसने कौन सा सेंटर ऑफ मास की पोजीशन पूछी थी मुझसे, क्वेश्चन कुछ और था ना वो। तो अगर ऐसे पूछा जाता तो मैं नहीं लेता उसमें भी सेम। ये पॉइंट क्लियर है, समझ में आ रहा है यहाँ तक। तो रूल वही रहेगा, जब मास नीचे आएगा, सेंटर ऑफ मास नीचे आएगा और सेंटर ऑफ मास कितनी एक्सेलेरेशन से नीचे आएगा। मैं फर्स्ट क्वेश्चन पे एक बार फिर से जाता हूँ। प्लीज़ उसमें मेथड वन मेथड टू में थोड़ी सी करेक्शन करनी पड़ेगी, उसमें मैंने एक चीज़ गलत ली है, उससे वो ठीक होएगा जो मैं बताने जा रहा हूँ। तो मेथड वन मेथड टू जहाँ आपने लिखा था ना अभी बोट वाला और वो प्रॉब्लम है, एक बार उसी में वापस जाओ, वो पूरा रिजल्ट चेंज कर देगा अभी। और मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ कि जो मैंने हेमिस्फेयर वाला क्वेश्चन किया उसमें फिर वो फ्लॉ क्यों आ रहा था। देखो जो बोट वाली प्रॉब्लम थी अभी, उसमें ये बोट है और बोट का मास सपोज एम टू है, ये मैन है, मास एम वन है, ठीक। मैंने ये कहा था कि इसकी वेलोसिटी कितनी है, वी वन है, इसकी वेलोसिटी कितनी है, वी टू है, ठीक। इसके अंदर मैंने इसकी ना ये एब्सोल्यूट वेलोसिटीज ले ली थी, ठीक, एब्सोल्यूट वेलोसिटी। तो पहले मेथड नंबर वन में एक बार करेक्शन करो क्योंकि हमें जो न्यूमेरिकल गिवन होते हैं उसके अंदर सीधा वेलोसिटी गिवन होती है, कितनी वेलोसिटी मूव किया, बोट की वेलोसिटी निकालो, ठीक। हमें जरूरत नहीं पड़ी कभी रिलेटिव वेलोसिटी निकालने की, अनलेस हमारा कोई क्वेश्चन ऐसा ना आ गया जैसे अभी हेमिस्फीयर का क्वेश्चन आ गया था, ठीक। तो इसमें सपोज करो ये जो मैंने ना एब्सोल्यूट वेलोसिटी ले ली थी, यहां पर मुझे वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू बोट है, क्योंकि वो बोट के ऊपर चल रहा है जिस वजह से बोट पीछे गई। मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूं, दो मिनट लिखना नहीं, आप सिर्फ एक मिनट समझ लो। अब इसके अंदर क्या है कि मैंने यहां वी वन लिया था, यही मेरी गलती थी, मुझको यहां वेलोसिटी ऑफ वन रिस्पेक्ट टू बोट लेनी चाहिए थी। अब एम वन इंटू वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू बोट, ठीक, मस्ट बी इक्वल टू एम वन प्लस एम टू इंटू वेलोसिटी ऑफ बोट। वी टू की जगह वेलोसिटी ऑफ बोट लिख लेते हैं, बोट विद रिस्पेक्ट टू
ग्राउंड। वी वन वी टू में ना कंफ्यूजन हो जाती है, हमें याद नहीं रहता रिलेटिव है कि नहीं। अब क्लियर दिख रहा है ये मैन की वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू बोट, पॉइंट सही है, और ये किसकी वेलोसिटी है, बोट की, और विद रिस्पेक्ट टू अंडरस्टूड है ग्राउंड। ठीक, अब अगर मैं इसे दो मिनट ओपन करूं, वन ऑफ बी इज इक्वल टू एम वन इंटू वी बी प्लस एम टू इंटू बी, ये तो रिलेशन ठीक हो ही गया, तो बात ही खत्म हो गई। तो इसमें अगर मैं एम वन को कॉमन निकालूं, मैन विद रिस्पेक्ट टू बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ बोट इज इक्वल टू एम टू इंटू कितना, वेलोसिटी ऑफ बोट। ठीक, ये विद रिस्पेक्ट टू क्या चल रहा है, ग्राउंड चल रहा है। अब ये भी क्योंकि ये मैन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू क्या थी, बोट थी, ये मैन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बोट थी, और अगर ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट टू निकालना है तो क्या माइनस करना पड़ेगा, बोट की वेलोसिटी। तो अब ये क्या बन गया, दोनों के दोनों विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसको प्लीज नोट करो, उसको प्लीज क्रॉस कर देना। अब मेरे ख्याल से ये चीज क्लियर है, नहीं मैं उसको चेंज कर रहा हूं, वो एक्चुअली मैंने, मेरी अजम्पशन गलत थी, मैंने उसमें वी वन ले लिया था एब्सोल्यूट, हाँ मैंने कहा था ग्राउंड से देख रहे हैं, मैं वो कह रहा हूं कि ये मैंने वेलोसिटी वी वन ली थी ना, वी वन ली थी, एक्चुअल में वो मेरी अजम्पशन गलत हो रही थी, क्योंकि जो मैंने वी वन, जबकि प्रूफ उसका सही आ गया था एंड में, वो मुझे नहीं पता वो कैसे सही आ गया, क्योंकि जो मैंने सॉल्व किया बोर्ड के ऊपर वो एकदम सही बैठा, तो वी वन के साथ हो गया। लेकिन रियलिटी में अब क्योंकि जब मैन चलता है वो बोर्ड के ऊपर चल रहा है, तो ग्राउंड उसके लिए बोर्ड का फ्लोर है, मैंने ग्राउंड के साथ अर्थ के हिसाब से काम कर दिया, तभी तो मेरा गलत आंसर आ रहा है। तो मैंने इसको वी वन बोल दिया, और मैं क्या कर रहा हूँ, उसको चला बोट पे रहा हूँ, और मैं बोल रहा हूँ उसकी एब्सोल्यूट वेलोसिटी वी वन है, जबकि चल वो किसके ऊपर रहा है, बोट के ऊपर। ये मेरी अजम्पशन गलत हो गई थी, और मुझे नहीं पता वो आंसर भी देखो कैसे सही बैठ गया रिलेटिव से। ठीक है यहाँ तक, तो इसमें जब वो बोट के ऊपर चल रहा है तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू बोट, और यहां से ये रूल अब सही करो, वो मेथड वन मेथड टू को फॉलो नहीं करेंगे। ठीक, वो कल क्योंकि क्वेश्चन आया था तो उसमें करके देखा तो एकदम सही बैठा, तो इसलिए वो गड़बड़ हो गई, पर ये पॉइंट क्लियर है यहां तक। अब देखो, अब हेमिस्फीयर वाला क्वेश्चन अब कर लेते हैं। तो हेमिस्फीयर वाले क्वेश्चन में क्या था, ये हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर के ऊपर ये मास एम है, ये मास एम है, ये रिलेटिव वेलोसिटी है, इसकी वेलोसिटी किसी इंस्टेंट पर कितनी है, वी है, ये मास m है, ये मास 4m है। अब ये वेलोसिटी कितनी आएगी, v ऑफ r इंटू कितना था, cos थीटा था, यही था ना, और ये क्या था, v ऑफ r इंटू कितना, sin ऑफ थीटा था। ये पॉइंट क्लियर है, ठीक हो गया। अब मैंने इसमें क्या किया कि v r cos थीटा मैंने x एक्सिस कंसिडर किया, x एक्सिस पे मैंने क्या किया कि m मास है, m मास इज मूविंग विद v r cos थीटा, लेकिन ये तो रिलेटिव वेलोसिटी है, ये रिलेटिव वेलोसिटी है, मस्ट बी इक्वल टू 4m इंटू वी, ये ग्राउंड के हिसाब से चल रहे है, ग्राउंड है ये, रिलेटिव चल रहे है। तो मैंने क्या किया कि इसको भी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड करने के लिए मैंने हेमिस्फीयर की वेलोसिटी इसमें से माइनस कर दी ऐसे, और फिर मैं इसको जब ओपन करता हूं मींस इस तरीके से वी आर इंटू कॉस थीटा माइनस एम इंटू वी इज 4m इंटू कितना वी, एक मिनट, एम ऑफ वी आर इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू एम प्लस 4m इंटू कितना वी। तो जब मैं ये रूल लगा रहा था ये वाला m प्लस 4m इंटू वेलोसिटी ऑफ हेमिस्फीयर, m प्लस 4m इंटू वेलोसिटी ऑफ हेमिस्फीयर, लेफ्ट साइड पे m1, m1 की जगह m, और वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू बोट, वेलोसिटी ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू हेमिस्फीयर। अब सही आ गया, ठीक हो गया ना, जस्टिफाई हो गया कि कैसे किस तरीके से कैलकुलेशन चल रही है। ठीक, तो जो कल हमने किया था वो प्लीज उसको क्रॉस करना, और प्लीज इसको एक बार फॉलो करना, ये रहा। हालांकि ये बहुत ही रेयर है कि हम इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हमें जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि हमें क्वेश्चन वाला खुद ही वेलोसिटी जो देता है रिस्पेक्ट टू बोट ही देता है, इस वजह से जो है वो पता नहीं चल पाता। तो ये सही हो गया क्वेश्चन, जिससे एकदम क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। कहाँ चला, कहाँ, एक क्वेश्चन और भी है अभी, ठीक है यहाँ तक पॉइंट क्लियर है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, बहुत इजी क्वेश्चन है और मुझे लगता है कि ये सॉल्व हो भी जाएगा अभी, इसमें ऐसा कोई कॉन्सेप्ट लग भी नहीं रहा जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें।
ठीक है, मतलब एब्सोल्यूट के साथ करेंगे नहीं ना, वही तो मैं कह रहा हूँ, वही तो मैंने गलती की थी, मैंने एब्सोल्यूट ले लिया और एब्सोल्यूट के साथ वो लग नहीं रहा ना। मैं 2 मिनट मुझे और दे, मैं क्वेश्चन दे दूँ नेक्स्ट क्लास को, फिर नहीं तो फिर कन्फ्यूजन हो जाएगी। 2 मिनट रुक जा, मुझे कॉपी पे करने दे, वो भी मैं जस्टिफाई कर देता हूँ। 2 मिनट रुक, इस क्वेश्चन को प्लीज सॉल्व करना। 1 मिनट, सपोज ये इंक्लाइन प्लेन है और ये फिक्स्ड है, प्लीज इस बार अब ये मूव नहीं होगा, सच दैट ये एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक का नाम बी, इसके ऊपर एक और ब्लॉक ए, ए स्लाइड्स ओवर अनदर ब्लॉक बी विच इज प्लेस्ड ओवर अ स्मूथ इंक्लाइन प्लेन एज शोन इन द फिगर। ए और बी के बीच में ना स्लाइडिंग होती है, द कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड बी, इनके बीच में फ्रिक्शन प्रेजेंट है, कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, म्यू, लेकिन वेज और ब्लॉक के बीच में नहीं प्रेजेंट। ठीक हो गया यहां तक? मास ऑफ ब्लॉक बी इज 2 times मास ऑफ ब्लॉक ए, बी का मास 2 times मास ऑफ ब्लॉक ए। आपको बताना है एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, जब ये ब्लॉक्स नीचे आएंगे तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की वैल्यू क्या होगी। इसका आंसर जी साइन थीटा है। अब ये मत कहना कि सर क्योंकि सेंटर ऑफ मास पूरा सिस्टम इकट्ठा है और पूरा सिस्टम इकट्ठा है तो नीचे आ रहा है तो जी साइन थीटा ही तो होगा, नहीं होगा। अगर मैं मास चेंज कर दूं ना बी का 3 times कर दूंगा आपका आंसर चेंज हो जाएगा। तो ये लॉजिक मत लगा लेना कि जी साइन थीटा है तो यानी कि वैसे जी साइन थीटा होगा जैसे हम नॉर्मल अपना क्वेश्चन करते हैं। हिंट ये है ए और बी दोनों इकट्ठे नीचे आ रहे हैं, होंगे इकट्ठे मीन्स वेज के रिस्पेक्ट टू नीचे आ रहे हैं, ए और बी सेपरेट होंगे, ए अलग आ रहा है बी अलग आ रहा है, सेपरेशन हो रही है, एक तेज आ रहा है एक स्लो आ रहा है, सेपरेशन हो रही है और यहां पर फ्रिक्शन नहीं है। आपको एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है। एम वन एक ब्लॉक एम वन ले लो, ए ब्लॉक और बी ब्लॉक को एम टू ले लो, एम वन इन टू, या ऐसा कर लो एक और आसान तरीका है, सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन कैन बी रिटन एज एफ वन प्लस एफ टू डिवाइडेड बाई एम प्लस टू एम, टोटल फोर्स बाय टोटल मास, काम ही खत्म करो। ए वन ए टू क्या करना उसमें, ये सबसे बेस्ट है, आप इसमें कुछ नहीं करो, टोटल फोर्स निकाल दो नीचे की तरफ कितनी है उसको टोटल मास से डिवाइड कर दो, एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास आ गई। टोटल फोर्स के लिए काम करो, ए बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बना दो, ए ब्लॉक का, ए ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो, फिर बी ब्लॉक का ड्रॉ करो, नीचे की तरफ नेट फोर्स निकालो। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे ए ब्लॉक है इसका मास कितना है m, तो कौन सी फोर्स इसको नीचे लेके आ रही है, mg, और इसको 2mg sin थीटा, ठीक 2mg sin थीटा और mg sin थीटा। फ्रिक्शन के
ठीक, पर एम जी साइन थीटा नीचे लगेगा ना, उसका वेट का कंपोनेंट तो हमेशा नीचे लगता है, ऊपर तो नहीं लग सकता ना। हाँ आप फ्रिक्शन की बात कर रहे हो ना, फ्रिक्शन में भी बना रहा हूँ। अब हम नेक्स्ट क्या ड्रॉ करेंगे, फ्रिक्शन की डायरेक्शंस। इसका आंसर एफ वन क्या है आपका, जरूरत ही नहीं है। इसमें आप एक काम कर दो, बस ये बताओ ए ब्लॉक पे टोटल फोर्स एफ वन कितनी लग रही है डाउनवर्ड, और फिर बी ब्लॉक पे कैलकुलेट करके बता दो ए ब्लॉक और बी ब्लॉक पर नेट फोर्स कितनी एक्ट करेगी नीचे की तरफ, 3 mg साइन थीटा टोटल फोर्स नीचे। देखो आप कहोगे सर फ्रिक्शन बीच में, देखो फ्रिक्शन है मैं मानता हूं, फ्रिक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट है, जो फ्रिक्शन होगी वो इक्वल एंड ऑपोजिट है। अगर आप इनकी इंडिविजुअल इक्वेशन बनाते भी हो तो फ्रिक्शन एफ एंड एफ एक दूसरे को क्या कर जाएगी, कैंसिल कर जाएगी, और नेट फोर्स नीचे की तरफ टोटल कितनी बन जाएगी, 3 mg साइन थीटा ही बनेगी। बोलो कैसे, ठीक है ठीक है, सूडो फोर्स आएगी ऊपर की तरफ, क्या आप कह रहे हो इसकी एक्सलेशन अलग होगी उसकी एक्सलेशन अलग होगी, ये बोल रहे हो ना। एक्चुअली ये इतनी भी तेज नहीं आ रहे कि एक ब्लॉक बहुत आगे आ रहा है और एक अलग आ रहा है, और अगर लेते भी हो तो फ्रिक्शन की फोर्स उसको एडजस्ट करेगी ना। तो मेरे कहने का मतलब कि इनके बीच में जो फ्रिक्शन होगी, जैसे मान लो ए ब्लॉक नीचे आ रहा है, ए ब्लॉक नीचे आ रहा है, तो इसकी फ्रिक्शन कहाँ एक्ट करेगी, लेट अस सपोज नीचे एक्ट करेगी, लेकिन इसको क्या करेगी, हेल्प करेगी। या उल्टा लेते हो, जो भी फ्रिक्शन की वैल्यू, हम उसकी डिटेल में नहीं जा रहे, जो भी फ्रिक्शन की वैल्यू है वो इक्वल एंड ऑपोजिट होगी, आप चाहे ऊपर की तरफ फ्रिक्शन ले लो चाहे नीचे ले लो, होगी तो इक्वल एंड ऑपोजिट, और जब ऐड करोगे तो दोनों फ्रिक्शन आपस में कैंसिल हो जाएंगी, तो नेट फोर्स घूम फिर के आपके पास यहां पर क्या आएगी, 3 mg साइन थीटा ही आएगी, और डिवाइडेड बाय कितना, 3 m। तो जो लोग ये लॉजिक लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ए और बी जब मूव करते हुए नीचे आ रहे हैं सच दैट उनके बीच में फ्रिक्शन है, तो आप सेंटर ऑफ मास टोटल मास इनको क्या एज्यूम कर सकते हो, 3 m, और नेट फोर्स क्या एज्यूम कर सकते हो, 3 mg साइन थीटा। तो आप शॉर्टकट लगा सकते हो इसमें, मैंने पहले मना किया था क्योंकि मैं आपको चाहता था कि एक बार आप इक्वेशंस बनाओ, पर ये करने की जरूरत नहीं है आपको एज एन ऑब्जेक्टिव। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा और आपको क्वेश्चन में गिवन है इकट्ठे मूव करते हुए नीचे आ रहे हैं, तो ऐसे केस में, और इतनी सेपरेशन नहीं हो रही कि एक आगे और एक पीछे हो गया, अगर ऐसा होता तो वो ठीक कह रहा है, तो सूडो फोर्सेस के कॉन्सेप्ट आ जाते, तो फिर आपको A1 और A2 का क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ऐसे केस में जैसे ही आपने इसको रिलीज किया और सेंटर ऑफ मास की अगर आपको एक्सेलरेशन निकालनी है, तो आप दोनों ब्लॉक्स को इकट्ठे कंसिडर करो और 3 mg साइन थीटा के हिसाब से उसे सॉल्व कर सकते हो। फ्रिक्शन क्योंकि इक्वल एंड ऑपोजिट जो भी होगी आपस में कैंसिल करेगी, इसमें जितना मर्जी कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब तक वो इकट्ठे मूव करते आ रहे हैं तब तक उनको फर्क पड़ने वाला है नहीं, जब ये सेपरेट हो जाएंगे तब इनको फर्क पड़ेगा, तब इनकी एक्सेलरेशन डिफरेंट हो जाएगी। ठीक है यहाँ तक, तो इसको कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास मंडे या ट्यूजडे, ट्यूजडे को रख लें, क्यों तो चला जाइयो, मंडे को ऑलरेडी बहुत क्लासेस हैं, मंडे को ठीक है। अच्छा छुट्टी है मंडे को, अच्छा नहीं मंडे को मुझे जाना है कहीं, नहीं ट्यूसडे को ही कर पाऊंगा मैं, ट्यूसडे को कर पाऊंगा यार, जाना है कहीं, मंडे को छुट्टी है, ट्यूसडे कर लूँगा, देख लूँगा, मंडे को बता दूंगा। इसका सेकंड पार्ट है, इसकी असाइनमेंट दूंगा ना तो ज़्यादा बेटर होगा, आज असाइनमेंट प्रिंटर खराब था हमारा, वो क्वेश्चन डिक्टेट करने में बड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है इसमें।